हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है, आपको लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, वो टीसीएस के रिलेटेड रहेगा। टीसीएस के ऑफर लेटर को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे न्यू हायरिंग अपॉर्चुनिटीज अभी आ चुके हैं, जिनके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग जल्द से जल्दी अप्लाई कर सको। बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है, तो इस वीडियो को एकदम भी मिस मत करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए ऑफिशियल टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी फॉलो एंड ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को सबसे पहले सबसे अच्छी अपडेट जल्दी से मिल सके, ठीक है। और अगर आप लोगों को हम लोगों से रीच आउट करना है, तो आप लोग वहीं पे टेलीग्राम ज्वाइन करके या फिर हमारा ऑफिशियल चैनल पे भी जाके आप लोग हमको पिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टीसीएस ऑफर लेटर की जो मेल आ रहा है टीसीएस के तरफ से। तो अभी टीसीएस की तरफ से बहुत लोगों को मिल भी रहा है, और कुछ लोगों को टीपीओ सेल के मतलब माध्यम से भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस सब लोगों को ऑफर लेटर सेंड कर रहा है, बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जाके भी चेक करना पड़ सकता है। तो ये बात मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ऑफर लेटर नहीं मिला है और आपके एरिया में, मतलब आप जहाँ पर रीजन पे बिलोंग करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर मतलब ऑलरेडी सिलेक्शन के शॉर्टलिस्ट के मेल रिसीव हो रहा है, तो आप लोग प्लीज जाके आपका नेक्स्ट पोर्टल में लॉग इन करके आपका कैंडिडेट आईडी से आप लोग वहां पर देख लो कि वहां पर क्या अपडेट आपको दिखा रहा है, ठीक है। मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है नेक्स्ट पोर्टल, कैसे आप लोग देख पाओगे, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो पहली बात जो ये है, ये टीसीएस ऑफर लेटर में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैं पहले से आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इफ एप्लीकेबल, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही ये चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही बेफालतू का क्वेश्चन करते हैं कि मैंने डिप्लोमा नहीं किया, मैं कैसे सर्टिफिकेट। तो ऑफकोर्स इफ यू हैव डन इट देन ओनली यू हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को अभी आप लोग कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, मतलब अगर आप लोगों ने 8th सेमेस्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ऑब्वियसली आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आप लोग उन सारे सेमेस्टर के मार्कशीट आप लोग दे दो। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया है, वो भी इफ एप्लीकेबल देन यू हैव टू सबमिट दोस डॉक्यूमेंट्स एज वेल। ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग देख पाओगे वहां पर फॉर्म जो आप फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ डाउट है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल नहीं आया है, कब तक आएगा, कब तक हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, या फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स में कुछ मतलब डिसरप्शन है, मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा है और आपने सबमिट कुछ और किया था, ऐसे अगर आप लोगों को डाउट्स है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उस गाइडेंस के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से बनाऊंगी, ठीक है। मैं कल ही पोस्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए जल्दी से जल्दी कॉमेंट में लिखना पड़ेगा, ओके। आप लोग लेजी मत होना। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जब आप लोग ओपन करते हो, आपका वो इंटरफेस कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत ही छोटा होता है पिक्चर, इसीलिए मैंने क्रॉप करके यहाँ पर डाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक्टिविटी, मतलब आपने इस पोर्टल में जाके जो भी किया है या टीसीएस की तरफ से जो भी अपडेट्स आए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के अंडर एक्टिविटी में दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन रिसीव, अप्लाइड फॉर ड्राइव, सब कुछ जो भी हुआ है सब कुछ आप लोगों को दिखाएगा। कैंडिडेट बेस्ट बेस्ट यहाँ सब कुछ है। ऑफर लेटर, ऑफर एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑफर लेटर आप लोगों को जब मिलेगा, देखिए आप लोग को यहाँ पर जो ऑफर लेटर आप लोगों को मिला था, सॉरी, ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 11 तारीख को ऑफर लेटर मिला था। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि डाउनलोड ऑफर लेटर, आपको आपका पीडीएफ फॉर्म में आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा टीसीएस की तरफ से। और उसी टाइम आप लोगों को बहुत ही केयरफुली ये ऑप्शन भी चूज करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर लेटर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करना है तो आप लोग कर लो, रिजेक्ट करना तो कर लो, लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चाहे आप निंजा में सिलेक्ट हुए, डिजिटल में हो या प्राइम में, जिन लोगों को प्राइम में मिला है, मुझे नहीं लगता कि वो ये अपॉर्चुनिटी मतलब कैसे भी वेस्ट होने देंगे। बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने डिजिटल का एग्जाम दिया था, मुझे निंजा रोल मिला है। अरे गाइस, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जॉब मार्केट है वो
उसमें से आपको कुछ कुछ भी जॉब मिल रहा है ना तो आप लोग प्लीज कर लो। और यहाँ पर टीसीएस की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है, अगर आपको निंजा का ऑफर मिला है डिजिटल के इंटरव्यू देने के बाद, यू विल बी गिवन एन अपग्रेडेशन ऑफर फ्रॉम टीसीएस बिफोर ज्वाइनिंग। ये बात आप लोग दिमाग में घुसा लो, मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियरली मेंशन करके बता रही हूँ। निंजा जिन लोगों को भी मिला है उन लोगों को अपग्रेडेशन का ऑफर मिलेगा डिजिटल के लिए, ठीक है। जो लोग ने प्राइम के इंटरव्यू देने के बाद डिजिटल रिसीव किया है उन लोगों को भी अपग्रेडेशन मेल मिलेगा प्राइम में अपडेट होने के लिए। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, अभी आप लोग ऑफर लेटर प्लीज एक्सेप्ट कर लो ताकि आपका रोल अपग्रेडेशन हो सके, नहीं तो आप लोग जॉब खो दोगे और फिर इस मार्केट में आप लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए समझदारी से आप लोग प्लीज काम ले। इसके बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है इस स्टूडेंट ने और IIM की एलिजिबिलिटी के लिए भी वो एलिजिबल है, ठीक है ना। तो ये रहता है हमारा वीडियो में TCS का जो रिलेटेड क्वेश्चंस था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, वहां पर से स्टूडेंट्स के कितने अच्छे रिव्यूज मिले हैं आप लोगों को। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु ऑल हैव एवर गेट सिलेक्टेड इन TCS, ठीक है। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो गया है चाहे वो किसी भी रोल में हो, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेहनत किया है इसलिए आप लोगों को मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड ये सब जब आप लोग रिव्यूज देखते हो ना, जब आप लोग मैसेज देखते हो कि स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हो, तो दिल भी खुश हो जाता है, राइट, कि अपने ही स्टूडेंट्स इतने अच्छे जगह पर प्लेसमेंट मिल चुके हैं उन लोगों को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग ने बहुत सारे रिव्यूज दिए, कितने इतने बड़े बड़े लोगों भी उन लोगों ने दिया है, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े रिव्यू भी दिए है। देखो बहुत एफर्ट हम लोगों ने डाला है, हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि आप लोगों पर सबसे ज्यादा सबसे फास्ट आप लोगों से इंटरव्यू के रिलेटेड, ऑफर लेटर के रिलेटेड, कुछ भी जॉब रिलेटेड अपडेट आप लोगों को जल्दी से जल्दी दे सके, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो जल्दी से जल्दी मिट सके। तो इसी जो एफर्ट के लिए हम लोग ये करते हैं ताकि आप लोगों से इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज हम लोगों को मिल सके और साथ ही साथ आप लोग भी अपना प्लेसमेंट अच्छे से कर पाओ सिक्योर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, चलते हैं न्यू हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अभी आप लोग देख सकते हो पहला जो अभी अभी निकला हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, एसोसिएट रोल के लिए, सीमेंस की तरफ से, बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी है सीमेंस की तरफ से अभी एक हायरिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट रोल नोएडा उत्तर प्रदेश आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सपीरियंस लेवल अर्ली प्रोफेशनल मतलब फ्रेशर्स के लिए टोटली होने वाली है ये हायरिंग, ओके। तो यहाँ पर आप लोग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से जो फील्ड से आपका होना जरूरी है, बैचलर्स मास्टर्स इन EEE कंप्यूटर साइंस एंड टॉप फ्रॉम टॉप रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस विद सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके। C++ लैंग्वेज आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी लॉग, VHDL, ठीक है, सिस्टम वेरी लॉग, ये सब आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ होगा जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ है वेरी लॉग में कोड करना। इसके बाद डिजिटल डिजाइन एंड टेस्टिंग के बारे में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पर जाके आप लोगों को अप्लाई कर देनी होगी, ओके। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम मिटसोगो, जो कि होने वाला है कोची पे आपका लोकेशन। जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0 to 2 years, 4 to 6 LP आप लोगों का सैलरी पैकेज होने वाला है। अगर आप लोग इन सारे चीजों में ऑलरेडी मतलब नॉलेज है आपका, आपका प्रोजेक्ट है, तो आप लोग प्लीज जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, मिटसोगो बहुत अच्छी कंपनी है, ओके। इसके बाद BCG की तरफ से जूनियर एनालिस्ट रोल के लिए हायरिंग चल रही है, जो कि होने वाला है दिल्ली आपका जॉब लोकेशन। एलिजिबिलिटी, अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है। आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप लोगों की डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी से जाके आप लोग को अप्लाई करनी है बस, ठीक है। इसके बाद स्विगी के तरफ से एक फॉर्म है, यहाँ पर जो रोल्स मिल रहे हैं आप लोगों के ST1 ASD मतलब एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, ओके, एंड SDET के लिए हायरिंग चल रही है स्विगी में। यहाँ पर जाके आप लोग जो आपका फॉर्म है यहाँ पर भर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कौन से रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन से रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, या आपको चूज करना है क्वालिटी अश्योरेंस के लिए, एंड्रॉइड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, जो भी आपको पसंद है आप लोग कर लो। और यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का आपका लिंक, जो व्यू एक्सेस आपका होना चाहिए कि एनीवन विद द लिंक कैन ओपन दिस, ओके, आपका रेज्यूमे का लिंक आप लोगों को
फाइल में ऐड करना है, ठीक है। तो यही रहता है हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को अपॉइंट लेटर के जरिए के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रहेंगे, आई नो, अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए ताकि मैं कल ही आप लोगों के लिए ये वीडियो ला सकूँ, ठीक है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी कमेंट्स में आप लोग डाउट्स लगेगा मैं उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगी, ओके। सो चलते हैं, इस वीडियो को अभी इसी वक्त एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ अस टिल एंड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बाय।